नवादा में राष्ट्रीय जनता दल का मतलब राजवल्लभ प्रसाद दल है, नवादा में राजद केवल राजवल्लभ के बल पर है। यहाँ कुछ है नवादा के लिए, जीतने जा रहे हैं नवादा में रिकॉर्ड मतों से विजय होंगे विनोद यादव। अच्छा, और ये समीकरण बताता है, जनता का हुजूम बताता है, और इनके विगत ये 1990 से जो इनका राजवल्लभ परिवार का जो क्रियाकलाप चल रहा है नवादा में वो बताता है। अच्छा, और अभी भी लालू यादव के नाम पर लालू रसोई चलाया जा रहा है। हाँ। जन सेवा किसी न किसी माध्यम से निरंतर चलाया जा रहा है। उनके परिवार से एक विधायक है, और उन विधायक पूरे देश में ऐसा कोई विधायक नहीं है जो जन समस्याओं को लेकर के अपना 10 उसको वेतन दे करके 10 आदमी जो है रखे हुए हैं, 10-12 आदमी खाली ट्रस्ट के माध्यम से, उनका एक ट्रस्ट है श्री राज कृष्णा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, इसके माध्यम से केवल और केवल जन सेवा होता है। जैसे उदाहरण चाचा जी, क्या चूक रहा कि राजवल्लभ यादव विनोद यादव जी को जगह नहीं मिला आरजेडी में? इसके चूक का बहुत बहुत बड़ा कारण है, इस कारण पर हम लोग को अब जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि नवादा में राष्ट्रीय जनता दल का मतलब राजवल्लभ प्रसाद दल है, नवादा में राजद केवल राजवल्लभ के बल पर है, और राजवल्लभ के बल पर ही रहेगा, और विनोद यादव यहां से रिकॉर्ड मतों से विजय होंगे, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है। जनता उनके परिवार से एक परिवार की तरह उनसे जुड़ा हुआ रहा है, राजवल्लभ परिवार से। सरवन कुशवाहा हारने जा रहे हैं यहां से? सरवन कुशवाहा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, शुरू से लेकर के अंत तक कोई टिकट कैसे मिल गया? टिकट मिल गया, वो कारण उसका दूसरा था, बीजेपी का पैरवी था और अनिल सिंह का पैरवी था, और उसका एनडीए का पैरवी था कि उसको यहां से उसको सीट जिताने के लिए बीजेपी को, लेकिन आपको बता दें कि उसके मंसूबों पर पानी फिर गया है। चलिए, तो ये नवादा जिले के लोगों का जो है सो बोल रहे हैं।